क्या बताऊं यार, अल्फाज नहीं है मेरे पास। एक लाख रुपए मैं किराया लगा कर यहाँ पर आया हूँ, 4 लाख की मैंने टिकट ली है और 3 लाख रुपया ये मैंने बाहर निकाल के रखा हुआ है, जो कि वॉलेट में आ ही नहीं रहा। 3.5 लाख रुपया और 17 लाख रुपया मेरे वॉलेट में है और 3 लाख मैंने बाहर निकाल दिया कि मतलब बंद तुम बंद भी नहीं हो रहा, मतलब इतने पैसे हैं। अभी मैं एक होटल में गया, वहाँ पर एक लेडीज़ उन्होंने बोला कि आपको रूम चाहिए। मैंने बोला रूम नो, आई वांट टू चेंज करेंसी ऑफ, मतलब मुझे चेंज कराने हैं यार पैसे। वो कह रही है कि मुझे भी मतलब थोड़ी थोड़ी आती है। खैर 10 मिनट उनके साथ बात किया, उनको भी समझ आ गई कि मेरे पास ईरानी नहीं है। उसने बोला कोई मसला नहीं, हम आपसे डॉलर ले लेंगे, हम आपको रूम दे देंगे। मैंने कहा ठीक है। जब डॉलर 100 डॉलर दिखाया, उन्होंने बोला भाई हमारे पास तो चेंज नहीं है। मैंने कहा यही तो मसला है कि मुझे दुकान बताएं कहाँ पर है ताकि वहाँ से जाकर मैं ले लूँ। 8 डॉलर का रूम कह रहे थे, ठीक है इतना महंगा नहीं है। बहरहाल उन्होंने मुझे बता दिया है कि आप यहाँ से थोड़ी एक दूर चल कर जाएंगे, 10 मिनट का सफ़र है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। नाम है सेपाह, पता नहीं करेंसी एक्सचेंज ऑफिस का नाम है या फिर चौक का नाम है। सेपाह बोला मैं वहाँ पर जा रहा हूँ, थोड़ी सा दूर है, बाकी शहर थोड़ा सा खूबसूरत है लेकिन दुकानें वगैरह सारी की सारी बंद है आज भी और कल भी। उसने बोला आज भी छुट्टी है और कल भी छुट्टी है, इस वजह से दुकानें तो नहीं भी ओपन। आपने ट्राई करना है, आपने देखना है, आप जाकर देख लें, अल्लाह करे यार खुली हो मिल जाए, जलील ना होना पड़े, ठीक है। बाकी जो किस्मत में देखते हैं क्या सीन होने वाला है। देखें कोई बंदा बशर नहीं है। शॉपिंग मॉल में गया, मैंने सोचा यार वहाँ पर वीडियो क्या बनाऊँ, ऐसे लोग गुस्सा करेंगे। तो एक लड़की से बात कर रहा था, करेंसी एक्सचेंज ऑफिस तो मुझे मिल गया लेकिन वो भी बंद था। उन्होंने मुझे दो ये टॉफियाँ दी, टॉफी नहीं है मतलब ये पिस्ता टाइप है कुछ, ये देख ये लड़के ने दी, ये इस लड़की ने दी। तो खैर उनको भी इंग्लिश नहीं थी आ रही लेकिन उन्होंने बोला ये गिफ्ट है खा लो। मैंने बोला फिर से लेकिन उन्होंने बोला आगे पता कर लो जहाँ तुमने जाना है, जो चौंक के हाँ जी बताया। अरे यार बहुत चलना पड़ रहा है यकीन करो, लेकिन नई दुकान मिल रही। खैर ये ट्राई करते हैं खा के क्या सीन है। अरे लड़की वाला खाते हैं। मज़ेदार है यार। थैंक यू, शुक्रन। हर बंदा एक जैसा नहीं है यार, मैं गलत कह रहा था, मतलब हर बंदा एक जैसा नहीं है, बाकी फिर भी ख्याल करें। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे करेंसी एक्सचेंज हो गई है और 100 डॉलर के मुझे मिले हैं 2.5 मिलियन के। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं मिलियनर बन गया। खैर थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चलो इतने पैसे तो वॉलेट में भी आएंगे, नहीं आ रहे। ये मैंने कुछ पैसे अलग कर लिए हैं क्योंकि इनकी नीयत ख़राब हो जाती है इस वाले पैसों को देख कर। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। ओके इंशाल्लाह। ओके फाइनली बंदे से मैंने अभी करेंसी चेंज करवाई है। अभी ये दुकान थी कपड़ों वाली और अड्डे पर मुझे मिल रहे थे 2.2, मतलब 22 लाख मिलता था 100 डॉलर का। और थोड़ा सा जलील हुआ हूँ घंटा डेढ़, लेकिन अपनी जो कोशिश है वो नाकाम तो नहीं गई, अल्हम्दुलिल्लाह मिल गए हैं। अभी मैं जाऊँगा मेट्रो स्टेशन, जो कि मैंने सोचा है सबसे पहले भूख लगी है, यहाँ पर खाना खाऊँगा, बिरयानी खाते हैं। वहाँ पर एक दुकान है वो मैंने देखी है, वहाँ से बिरयानी खाऊँगा, उसके बाद स्टेशन पर जाऊँगा। स्टेशन नहीं, सबसे पहले तो मुझे लेनी है सिम, खाना खाकर मैं सिम लेता हूँ, सिम लेकर फिर देखते हैं आगे क्या करना है। ये है भाई सिटी सेंटर है अस्फहान का, ठीक है।
और बहुत खूबसूरत है। लेकिन मेन मसला यही है कि यार इनको लैंग्वेज नहीं आती। मैंने पिछले 3 दिन से जो मेरा एक्सपीरियंस है, गाड़ियों वाले ज़्यादा स्कैम करते हैं, टैक्सीज वाले ज़्यादा स्कैम करते हैं। और टूरिस्ट प्लेस पर अगर मैं यहाँ पर आया हूँ, इस बंदे से भी जो भी मैंने पूछा है, हर बंदे ने मुझे अच्छे तरीके से गाइड किया। सो हर बंदा एक जैसा नहीं है। बाकी होते हैं यार, हर कंट्री में होते हैं, जैसे टर्की में, अपने पाकिस्तान में, दुबई में, मोस्टली टैक्सी वाले, तो इनसे ज़रा आप दूर रहें, ठीक है। कोशिश किया करें थोड़ा सा हट के, थोड़ी सी बहस करके, पहले पैसे कर लें भाई, इतने पैसे देंगे पूछ लें, उसके बाद उनके साथ जाएं, ठीक है। बाकी अल्लाह मालिक है यार। ये देख लें भाई, सिटी सेंटर है, अस्फहान का। जो है ज़हदान वो भी कोई इतना खूबसूरत नहीं है, शहर में गया हूँ, लेकिन यहाँ पर जो मैंने आते बाज़ार देखे ना, वो बहुत खूबसूरत है, लेकिन दुकानें बंद थी। काश के खुली होती दुकानें और मैं देख सकता और आप लोगों को भी दिखा सकता। भाई मैं तो गाड़ी को देखकर खड़ा हो गया, लेकिन यहाँ की जो औरतें हैं वो नहीं डरती। क्या फूल है यार, क्या खूबसूरती है। लो भाई, मैंने बोला था बिरयानी, बंदा ये लेकर आ गया, साथ में पानी की बोतल, और इसके अंदर एक कबाब है। बिरयानी का ये मज़ा आ गया। अब बिरयानी क्या, मुझे क्या पता यार, यहाँ पर कबाब और रोटी को बिरयानी कहते हैं, बाहर लिखा था आज़म बिरयानी, तो मैंने भी उसको जाकर यही बोला कि भाई मुझे बिरयानी चाहिए। बस उसको इंग्लिश आती थी थोड़ी बहुत, मैंने उसको बोला यार यहाँ पर किसी और को तो आती नहीं इंग्लिश, कहता मुझे भी थोड़ी थोड़ी आती है, मैंने बोला सेम टू तो काफ़ी ऐसा। खैर बिरयानी का जो टेस्ट था ना, मतलब रोटी और जो कबाब था, होए होए, उसके ऊपर अखरोट, पिस्ता, बस ये चीज़ें थी, उसके साथ मक्खन था उन्होंने उसके ऊपर लगाया हुआ, और बड़ा मज़ा आया यार। ये पैसे बने हैं मेरे 80,700, मतलब 87,000 यहाँ के। ओके, अभी मुझे टैक्सी पकड़नी है, और मैं टैक्सी वाले को कहता हूँ मेट्रो स्टेशन मुझे ले के जाए, जहाँ से मैं आगे की टिकट कराऊँ। नहीं नहीं, पहले मैं ऐसा कर लेता हूँ कि सिम ले लेता हूँ यार, यहाँ से सिम लूँगा, और उसके बाद नेट चल जाएगा, आसानी तरीके से पता चल जाएगा कि कितनी दूर है मेट्रो स्टेशन और मेरे टिकट कहाँ पर। ये दुकान है मोबाइलों वाली, ये बंद है, ये दुकान तो नज़र आ गई लेकिन ये बंद है। खैर आगे से पता कर, अगर नहीं मिलती तो कोई मसला नहीं, मैं स्टेशन पर चला जाऊंगा, वहाँ से फिर कुंभ जाना है, यहाँ से कुंभ का कितना सफ़र है नहीं पता, लेकिन है नज़दीक, मैप पर मैंने देखा था, इस वजह से मैं यहाँ पर आया अस्फहान। ठीक है, किसी से पूछता हूँ, अगर दुकान मिल जाती है फिर यहाँ से सिम ले लेता हूँ। वो भाई, ये भाई थे, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेरी मदद की, इनको काफ़ी ज़्यादा इंग्लिश आती थी और किसी बंदे को नहीं थी आ रही, एंड उन्होंने ये अपना एक दोस्त मेरे साथ भेजा है। आपका नाम सर? नाम मोहम्मद, मोहम्मद अली अली अली। ओके, तो ये मोहम्मद भाई अभी मुझे छोड़ने जा रहे हैं स्टेशन पर, मेट्रो स्टेशन पर, क्योंकि मैंने उनको बोला कि मैं ट्रेन से सफ़र करूंगा, और इसके साथ साथ जो है उन्होंने बोला कि तुम बसें चले जाओ, टिकट सस्ती मिलेंगी, लेकिन मैंने बोला कि मैं बसें नहीं जाऊँगा, और मैंने बोला इनको कि भाई मैं यहाँ पर कौन कौन से प्लेस विज़िट करूँ, उन्होंने बोला भाई आज तो छुट्टी है, आज ही तुम्हें यहाँ पर ऐसे ही गुजारना पड़ेगा, कल का दिन भी ऐसे ही गुजारना पड़ेगा, क्योंकि लोग आउट ऑफ सिटी हैं, घूम फिर रहे हैं, जाहिर है जब छुट्टी होती है गवर्नमेंट की तरफ से तो लोग घूमते फिरते हैं। एंड सिम कार्ड का मैंने पूछा, जाहिर दुकानें बंद हैं, वो भी नहीं मिलेगी, सो इस वजह से मैंने सोचा कि यहाँ पर 2 दिन रुकने का फ़ायदा नहीं है, सबसे पहले चलते हैं कुम, वहाँ पर ज़्यारत करते हैं, उसके बाद वहाँ पर ही स्टे कर लूँगा 1-2 दिन, एंड
फिर जहाँ दिल करेगा आगे चलते हैं। बहरहाल यहाँ से 25 किलोमीटर दूर बोला है भाई साहब ने कि 25 किलोमीटर दूर है ट्रेन का स्टेशन और पैसे इन्होंने बोले हैं 1,00,000। खैर सही है, 25 किलोमीटर भी तो है ना। बहरहाल देखते हैं आगे का क्या सीन। ओके थैंक यू। मैं पहुंच चुका हूं अस्फहान के रेलवे स्टेशन पे, क्योंकि मैंने सोचा था कि यार मैं बस का तो काफ़ी सफ़र कर रहा हूं पिछले 2 दिनों से, अब सफ़र करता हूं ट्रेन का और यहां से जाता हूं कुम। अब यहां से कुम का कितना सफ़र है मुझे नहीं पता। इस बंदे ने मुझसे लिया 1,00,000 रियाल, ठीक है 1,00,000 रुपये लिया है। उसने बोला था 25 किलोमीटर है, लेकिन 25 किलोमीटर तो नहीं था, कम से कम हाँ 15 से 20 मिनट लगे हैं यहाँ पर आते हुए। बहरहाल आना था यार, गाड़ी वगैरह का तो मुझे पता नहीं था, तो मैंने सोचा वो टाइम ज़ाया करने से अच्छा है चला जाऊँ। सिम तो मिली नहीं, वहाँ से जाकर ट्राई करूँगा अगर सिम मिल जाती है ना। अभी यहाँ पर क्या सीन होता है वो देखते हैं। ये है काफ़ी खूबसूरत है, रोश अनश को आज तो भैया अल्हम्दुलिल्लाह मिलियनर बन गया हूँ, क्या बताऊँ। अभी मैंने टिकट बाय की है स्टेशन के अंदर आकर। स्टेशन के अंदर आने पर मतलब पुलिस वाले एक बार आपको चेक करते हैं आपके बैग वगैरह, उसके बाद आपकी एंट्री डालेंगे। उन्होंने मुझसे पूछा कि आपकी ऑनलाइन बुकिंग है या फिर यहाँ से लेने। मैंने बोला अभी यहाँ से। उसने बोला किधर जाना है, मैंने बोला कुम जाना है। उसने बोला ठीक है, सबसे पहले वहाँ से टिकट लेके आओ और फिर आकर इधर अपनी एंट्री डलवाओ। मैंने बोला अभी ठीक है। मैंने टिकट लिया 4,00,000 ही मानते हैं, 3,70,000 रुपये की, ये देखें ठीक है ये लिखा हुआ है 3,70,000। उसके बाद ये टिकट लेकर मैं पुलिस वालों के पास दोबारा गया, उन्होंने ये स्टैंप लगाई। स्टैंप लगाने के बाद उन्होंने बोला अभी ठीक है आप वहाँ पर वेट करें। जिनसे मैंने टिकट करवाई है उन्होंने बोला कि मतलब आप 1 घंटा पहले आ जाना। अभी 1 बज गया, 4 बजे मेरी ट्रेन है और क्या बताऊँ यार, अल्फाज नहीं है मेरे पास। 1,00,000 रुपये मैं किराया लगा कर यहाँ पर आया हूँ, 4,00,000 की मैंने टिकट ली है और 3,00,000 रुपये ये मैंने बाहर निकाल के रखा हुआ है जो कि वॉलेट में आ ही नहीं रहा, 3,50,000 रुपये। और 17,00,000 रुपया मेरे वॉलेट में है और 3,00,000 मैंने बाहर निकाल दिया कि मतलब बंद भी नहीं हो रहा, मतलब इतने पैसे। एंड अगर टैक्सी वाले की बात करूं भाई, जो टैक्सी वाला लेकर आया, इस वीडियो को यहां पर एंड करने वाला हूं। इस ब्लॉग को नया ब्लॉग यहां से मैं शुरू करूंगा, ट्रेन की जर्नी पता नहीं 1 दिन की है 2 दिन की है, मैंने टाइम पूछा नहीं है, बस टिकट बाय कर लिया। जाना मैंने कुम था, लेकिन उन्होंने बोला कि भाई आपको कुम की आज ट्रेन नहीं मिलेगी, मशहद की मिलेगी। मैंने बोला भाई ठीक है मुझे तो ट्रैवल ही करना है, आप दे दें। पूछा कितने की, उन्होंने बोला 4,00,000, मैंने 4,00,000 दी, टिकट उन्होंने दे दी। बस अब बात यह है, टैक्सी वाले की बात करता हूँ तो बंदा ज़रा अच्छा था, इस वजह से मैंने उसके साथ ज़्यादा बहस नहीं की। उसने 1,00,000 बोला, मैंने बोला ठीक है भाई 1,00,000 ले और मुझे स्टेशन तक पहुँचा दें। शुक्रिया जल्दी आ गए और टिकट भी मेरी हो गई है। और अभी का सीन ये है, अगर आप लोग भी कभी आते हो ईरान में तो सबसे पहले भाई आप लोगों ने टैक्सी वालों से बचना है, उसके बाद जो ये जो बसों वाले होते हैं उनसे बचना है। बस वाले ने हमारे साथ कल क्या किया है कि हमारी टिकट 1,80,000 रुपये लिए, बाकियों से 1,20,000 ले रहा था, किसी से 30 ले रहा था, किसी से 50 ले रहा था। जब मेन बंदा आया मैंने उसको बोला कि भाई ये बंदा हमसे, इसने पैसे हमसे ज़्यादा लिए हैं। हमने चाबहार से जाना था जहदान हम आए थे, तो इसने हमसे पैसे ज़्यादा लिए हैं। उसने बोला कितने लिए हैं, मैंने बोला 1,80,000। वो हमें वापस लेकर गया, उसके बाद उसने 1,20,000 रुपया अपने पास रखा और 1,70,000 दिया था, 50,50 उसने हमें वापस कर दिया। वापस लेने के बाद उस बंदे ने गुस्सा निकालने के लिए क्या किया, टिकट तो उसने अपने पास रख ली, हमारी गाड़ी थी पहले उसने बोला 12 बजे की, उसके बाद उसने एक और हमें दे दी भी वो आप दूसरी रसीद हमें वापस कर दें। दूसरी मैंने वापस उसको की है, उसने एक और दे दी, उसने बोला आप 3 घंटे वेट करें। मैंने उसको बोला, मैं गुस्से में आ गया, मैंने बोला मैं तुम्हारी पुलिस कंप्लेन कर दूंगा अगर तुमने
हमें मतलब किसी और गाड़ी में बिठाया था। उसने बोला टेंशन ना लो, वही होगी फलां ये है वीआईपी है। वो टिकट लेकर गया, वहाँ पर बस थी खड़ी, उसने बस वाले को टिकट दिए, हमारा सामान रखवाया, खुद वो गायब हो गया, हमें बस में बिठा दिया। बस में अंदर गए हैं तो भाई वही लोकल बस यार, 15 घंटे सफ़र करके हम यहाँ पहुँचे। सो काइंडली जो गलती मैंने की है वो आप लोग ना करना, टिकट लें उसको बोलें वीआईपी बस की टिकट चाहिए, आपने तेहरान जाना है, ज़हदान जाना है, चाबहार जाना है, कहीं भी जाना है, वीआईपी लेंगे ना टिकट तो उसके ऊपर लिखा होता है वीआईपी, और कंप्यूटराइज रसीद भी इस तरह की देते हैं, ठीक है। तो ये सारा सीन है, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। और रहेगी बात करेंसी की, करेंसी में ये था आज छुट्टी थी, कल भी छुट्टी थी, इस वजह से मैं जलील हुआ, करेंसी मुझे नहीं मिल सकी। करेंसी एक्सचेंज वाली दुकानें मुझे बहुत मिली हैं, काफ़ी जगह से पता भी किया है, लेकिन थक गया था यार इतना ज़्यादा क्या घूमता फिरता। फिर शुक्र है कि बाहर 3-4 लड़के खड़े थे, उनको मैंने बोला भी मुझे करेंसी एक्सचेंज करानी है, उन्होंने बोला ठीक है हम कर देते हैं, लेकिन टर्मिनल से करेंसी एक्सचेंज ना कराना। वहाँ पर मुझे बंदा दे रहा था 22 लाख, हालांकि वहाँ पर एक्सचेंज नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा जलील हुआ, पाकिस्तानी 200 रुपया बंदे को दिए, मेरे पास वही था, मैंने बोला मेरे पास और नहीं है। उसके बाद जाकर उसने मुझे वहाँ पर अड्डे पर उतारा, 2 घंटे मैं जलील होता रहा अपनी वजह से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी 3 लाख रुपया मुझे फ़ायदा हो गया ना। लोकल बंदे से ली करेंसी, अपनी मर्ज़ी से ली, टर्मिनल से नहीं ली, बाहर से ली, फिर 3 लाख बच गया। तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हो। बात काफ़ी लंबी हो गई है, वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो फॉर मोर वीडियोस। एंड अभी स्टेशन है इस तरफ, और अभी सीन ये है कि पुलिस वालों ने कैमरा मेरा देखा, उन्होंने बोला भी आप बैग में डाल लें। मैंने बोला ओके सर, क्या ज़रूरत है बहस करने की, क्या ज़रूरत है उनको कहने की, भाई मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, वीडियो कैंड कर रहा हूँ यार, लंबी हो गई। नेक्स्ट व्लॉग देखना, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना फॉर मोर वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।